झारखंड राज्य भौगोलिक दृष्टि से एक पहाड़ी अंचल है। ये पूरा क्षेत्र तीन पठारों का समूह है। इसमें दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। इनके बीच बीच में ऊंची नीची भूमि और ढलान वाले मैदान हैं। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। झारखंड के पहाड़ी अंचल में कुल 30 जनजातियां निवास करती हैं। इसी अंचल में छोटा नागपुर उरांव जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। उरांव मूलतः द्रविड़ समुदाय के लोग हैं और इनकी भाषा द्रविड़ परिवार की कुडुक है। ये जनजाति स्थायी तौर पर रहते हुए कृषि एवं पशुपालन करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार उरांव जनजाति की संख्या 11 लाख है। झारखंड में लगभग 2.62% लोग रहते हैं। इनमें से 22.24% लोग शहरों में रहते हैं और 77.76% गांवों में। इस जनजाति को धंगर या धंगर उरांव भी कहा जाता है। छोटा नागपुर में धंगर का मतलब होता है खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर, लेकिन अब ये शब्द धंगर तकरीबन सभी उन उरांव लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा है जो खेत में किसी भी हैसियत से काम करते हैं। इनका ओरिजिन का जहाँ तक प्रश्न उठता है, ये लोग साउथ इंडिया से आते हैं। कोंकण क्षेत्र जो अभी है महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी के किनारे जो पैदावारी क्षेत्र है, वहाँ ये लोग पहले रहते थे। ये लोग अपने वहाँ अपना पुराना घर मानते हैं। वहाँ से इनका प्रसार हुआ, वहाँ से वो लोग ये सतलज नदी के किनारे हड़प्पा जगह है जो इंडियन सिविलाइजेशन का क्षेत्र है, उसमें भी कुछ दिनों तक इन्हों का बास रहा है। इंडस सिविलाइजेशन की प्रगति और उत्कृष्ट सभ्यता के निर्माण में भी इनका योगदान माना जाता है। इसके पश्चात यहाँ से पलायन करके सोन नदी के किनारे होते हुए रोहतासगढ़ में इनका आगमन होता है। रोहतासगढ़ बिहार के शाहबाद जिले में स्थित है। इसे उरांव लोग अपना एक ऐतिहासिक स्थल मानते हैं। यहाँ इनका आगमन 500 से 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, जहाँ उनका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बहुत परिष्कृत और व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ। रोहतासगढ़ से इनका पलायन का कारण विभिन्न संस्कृतियों के बीच संघर्ष और विशेषकर मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध में हार होना है। यहां से उरांव दो समूह में विभाजित होते हैं, एक जो गंगा के किनारे होते हुए अंततः राजमहल पहाड़ियों में बस जाते हैं और दूसरा समूह जो सोन नदी के किनारे होते हुए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग को अपना निवास स्थान बना लेते हैं, जहां पहले से ही मुंडा, कोल तथा अन्य जनजातियों का स्वामित्व था। इसके अतिरिक्त उरांव जनजाति के लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और महाराष्ट्र में भी बसे हुए हैं। उरांव जनजाति ने यहाँ छोटे छोटे गांव बसाए और खेती आदि में लग गए। यहाँ जीवन यापन करने का मूल आधार खेती है। उरांव बाहरी दुनिया से मेलजोल का महत्व समझते थे। ये लोग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी समृद्ध थे, जबकि मुंडा और कोल अपने में ही रहना पसंद करते थे। परिणाम स्वरूप मुंडा और कोल छोटा नागपुर में एक ओर सिमटते चले गए और जंगलों तक ही सीमित रह गए। उरांव ने अपनी ज्ञान रूपी समृद्धि के कारण खेती में नए नए विकास किए, इसलिए उन्हें यहाँ खेती में अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। ये लोग अपनी अन्य समकालीन जनजातियों से हर दृष्टि से उन्नत माने जाते हैं। उरांव जनजाति के लोग खास नए नक्श के होते हैं। इनका रंग सांवला, औसतन कद 4 फुट 5 इंच, सिर आयताकार, बाल काले और घुंघराले होते हैं। उरांव स्त्री पुरुष सूत का बना 1.5 फुट चौड़ा और 6 से 9 फुट तक लंबा वस्त्र ही पहनते थे। इसे कुडुक भाषा में करैया कहते हैं। यूं तो ये लोग थोड़े पहनावे से ही संतोष कर लेते हैं, परंतु ये विभिन्न आभूषणों से
अपने को सजाना पसंद करते हैं। इनके अधिकांश गहने कांसे, लोहे, पीतल, लकड़ी, शीशे, मूंगे, पौधों की पत्तियां और सिक्के इत्यादि से बने होते हैं। उरांव जनजाति का एक बड़ा त्योहार है कर्मा। ये त्योहार भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग इकट्ठे होकर करम देवता को लाने जाते हैं, क्योंकि वे इसी वृक्ष को करम देवता का निवास स्थान मानते हैं। यहाँ गांव का मुख्य पुजारी पेड़ के आगे दिया जलाता है। व्रत रखी हुई लड़की इसे सूत लपेटती है। ये करम देवता का नया पहरावा कहा जाता है। व्रती उपासक पेड़ पर चढ़ता है और तीन ऐसी डालियों को काटता है जिनके अगले छोर बर्बाद नहीं हुए होते हैं। वही लड़की इन्हें पकड़ती है जिसने व्रत रखा होता है। डालियां तोड़ने के बाद ये लोग उस वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाकर नाचते गाते हैं। सब लोग डालियों को लेकर अपने गांव के अखाड़े में लौट जाते हैं। वहां गांव का पाहन या पुजारी गड्ढा खोदता है। करम वृक्ष की इन तीन डालियों को एक साथ मिलाकर गड्ढे में स्थापित करता है। फिर करम देवता के रूठने, मनाए जाने और मान जाने की कहानी सुनाई जाती है। अरा भाई और बंदूरो बहन गुठिया रहो, सात भाई रह चार, सात भाई रह चार। अच्छा, हन्ने मलंग राजी के रार। अच्छा, हैं सातो भाई, आदि सात गुतनी रह चार। अच्छा, हैं। सब लोग बड़े ध्यान से आदर पूर्वक ये कहानी सुनते हैं। सभी उपासिकाओं के हाथ में जवा फूल और चूड़ा होता है कहानी सुनाने वाले को देने के लिए। इसी बीच मुख्य पे तरल हड्डिया सबके पीने के लिए लाकर रख दिया जाता है। फिर उपासिकाएं अपनी डालियां उठाती हैं जिनमें लेंडा तथा पन्ना के पौधे होते हैं। फिर वे नाचते गाते हैं। गीत तथा नृत्य रात भर चलता रहता है, लेकिन गीत, उसका राग तथा मांदर, नगाड़े, घंट तथा झांझ की ताल रात के उतार चढ़ाव के अनुसार बदलते रहते हैं। हर गांव का अपना झंडा होता है जो उस गांव की और वहां के लोगों की पहचान होता है। फिर पुजारी करम देवता को धार्मिक रीति अनुसार उखाड़कर उन स्त्रियों के हाथ में पकड़ाता है जिन्होंने उपवास किया होता है। करम देवता को लेकर ये लोग गाते बजाते हैं और गांव का अखाड़ा उनके नृत्य और संगीत से गूंज उठता है। इसके बाद सब लोग एक एक करके करम देवता का आदर सत्कार करते हैं और अंत में नाचते गाते नदी पर जाते हैं और वहां उसका विसर्जन कर देते हैं।
जीवन से मरण तक के सभी संस्कार उरांव जनजाति किसी भी अन्य समाज की तरह क्रमबद्ध रूप से मनाते हैं। उसमें सबसे प्रथम छठी त्योहार यानी बच्चे का नामकरण संस्कार है। ये त्योहार बच्चे के जन्म के 8वें या 10वें दिन मनाया जाता है। प्रायः बच्चे का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाता है। जन्म के कुछ समय बाद ही माँ रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाती है। बच्चों में पारंपरिक खेल बहुत लोकप्रिय है। अपने कौशल से इन्होंने देश के विभिन्न खेलों में अपना वर्चस्व कायम किया है। समय के साथ अन्य खेलों को अपनाने का प्रयास भी जारी है। उरांव जनजाति की उन्नति का कारण है शिक्षा। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ शिक्षा के प्रसार में मिशनरी स्कूलों का मुख्य योगदान है। काफी संख्या में युवा युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और परिणाम स्वरूप उरांव आज सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उरांव जनजाति में भारत की अन्य जातियों की तरह ही विवाह प्रथा पाई जाती है। यहाँ लड़के वाले लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने जाते हैं। इनमें दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। इनमें डाली टका की प्रथा है, जिसमें रिश्ता तय होने पर 7 रुपए एक टोकन के रूप में दिए जाते हैं। लड़की का मामा लड़की को अंदर से गोदी में उठाकर बाहर लाता है। लड़के का बाप और चाची और लड़की का होने वाला ससुर खड़ा होकर उसका स्वागत करते हैं और लड़की को ले जाकर अपने पैरों के पास बैठा लेते हैं। लड़की के सिर पर सफेद कपड़ा डाल दिए जाने से रिश्ता तय माना जाता है। मंगनी के दिन लड़का लड़की के माँ बाप बाजार से सिंदूर खरीदते हैं। मंगनी की रस्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक लड़का लड़की के माँ बाप एक दूसरे को सिंदूर न लगा लें। विवाह के दिन गांव में खूब रौनक रहती है। लड़की को और लड़के को गोद में उठाकर मंडप में लाया जाता है। हल्दी पीसी जाती है और गाने गाए जाते हैं। हल्दी से बना उपटन लड़का और लड़की दोनों को लगाया जाता है। वो सिल जिस पर हल्दी पीसी गई थी उसे सिर पर उठाकर मंडप में लगे मंडवा के चक्कर लगाए जाते हैं। इसके बाद मंडप में सूखी हुई 3 घास की गड्डी रख दी जाती हैं। इनके नाम हैं चाला, चौला और चंडी। ये तीनों लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की प्रतीक हैं। तीनों गड्डियों पर हल्का जुआ रखा जाता है। जुए पर हल्दी वाली सिल और लोटा रखा जाता है। ये सिल पार्वती की प्रतीक है। इसके बाद लड़का सिल पर खड़ा होता है, लड़की जमीन पर खड़ी होती है। लड़के का भाई लड़की के हाथ से पहले वधु को तथा बाद में वर को सिंदूर लगवाता है और इस तरह विवाह संपन्न हो जाता है। उरांव जनजाति के लोग बड़ी बस्तियां बनाकर रहना पसंद नहीं करते। इनके गांव दूर से देखकर बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनके मकान त्रिकोणीय शैली की छाजन वाले पहाड़ी शैली के होते हैं। ये विस्तृत और हवादार होते हैं। उरांव जनजाति के घरों में सिर्फ जरूरत भर का ही सामान होता है। बांस का फ्रेम सा बनाकर उस पर खपरेल बिछाई जाती है और इस तरह इन लोगों के घर की छतें तैयार हो जाती हैं। उरांव लोग दक्ष शिल्पकार होते हैं जो अपने मकान स्वयं निर्मित करते हैं।
नारायण ससुर सोमदास इंगन पोसे पर्दे की पर्दे वाचस की लेकिन अकुन बार इंगन खेदा पे दरस आगे पंचायत इन गोहरा आवेदन की इंगा कुछ हल चोस। उरांव जनजाति में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है पड़ाहा, जो एक पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था है। कुछ गांव सम्मिलित होकर पड़ाहा का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पड़ाहा उसमें संगठित गांव की संख्या के आधार पर जाना जाता है, जैसे 11 गांव का संगठन, 20 गांव का संगठन इत्यादि। झारखंड राज्य सरकार ने जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, लेकिन ये लोग अपने गांव में और आसपास पाई जाने वाली औषधियों से इलाज करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में आंवला, नीम और इमली वगैरह शामिल हैं। इसका मंजी के निकाल कर खाटी कड़वा तेल पका कर मखिएगा। मुरुख माखना नहीं है, माखते उतरा देंगे। बगमेच्छा फड़का होता है, दांत खिंचता है, इसका जाड़ को उखाड़ कर लेकर सफेद अथी तागा में बांध देगा। जीवन चक्र का अंतिम पड़ाव है मृत्यु। यहाँ अंत्येष्टि कर्म अन्य जातियों की तरह गंभीर और धार्मिक हैं। उरांव जनजाति के लोग अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार शव का दाह संस्कार करते हैं। जलाने या मिट्टी देने का जो क्रियाक्रम है ये तो लड़का करेगा, उसका जो बेटा है वो करेगा, लेकिन वहाँ से बाकी जो संस्कार है वो उसकी पति पुत्र उसकी जो बहू होगी वो करेगी। जिस तरह की उसके कलश उनको अस्थियाँ को जो चुन के लाया जाता है शमशान घाट से, उसको अपनी बहू अपने गोद में लेके उसको बच्चे की तरह उसका संस्कार जो रीति रिवाज के अनुसार जो उसका विसर्जन किया जाता है तो बहू के द्वारा किया जाता है। उरांव जनजाति के जो लोग ईसाइयत में चले गए हैं वे शव को दफनाते हैं। भाखकटी एक सबसे पुरानी पूजा है। पूजा के स्थान को पाहन या पुजारी गोबर से लीप कर पवित्र करता है, फिर लिपी हुई जगह पर एक वृत्ताकार चित्र अर्पण से खींचता है। भाखकटी का शाब्दिक अर्थ है डंडा काटना। हर उरांव परिवार में किसी शुभ कार्य तथा इष्ट कुल के लिए समय समय पर पुरखे तथा परमेश्वर से शुभ कामना करते हुए भाखकटी कराई जाती है। फिर वृत्ताकार में अरवा चावल रखकर उस पर एक अंडा रख देता है। इसके बाद भेलवा की डाली का टुकड़ा वो अंडे पर टिकाता है। फिर वो सूप में रखे अरवा चावलों को मलता है और साथ में भगवान और पुरखों से प्रार्थना करता जाता है। फिर वो अंडे को उठाता है, सूप में से चावल लेकर उस पर डालता है और अंडे को तोड़ता है। इसके पश्चात पुजारी शगुन करता है। शगुन का अर्थ है दोनों मुट्ठियों में चावल और भेलवा की फलियों को सूप में ही चित्त पट्ट करना। जब दो फलियां एक बार में चित्त पट्ट हो जाती हैं तो उसे शगुन मान लिया जाता है। देखा छै करै अच्छा तार करिया देखै आपने देखिया जो अर्जी विनती करा से बाबा देखै आपने देखिया कुछ देखै आपने देखिया तोके बाबा हे गरी हे ब्रह्मा। प्रत्येक उरांव जनजाति में त्योहारों पर अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। देखा छै करै अच्छा तार करिया देखै आपने देखिया जो अर्जी विनती करा से बाबा देखै आपने देखिया देखै आपने देखिया तोके बाबा हे गरी हे ब्रह्मा देखै आपने देखी चाला पर चाल छै करै अच्छा तार करिया देखै आपने देखिया जो अर्जी विनती करा थी बाबा देखै आपने देखिया। वो अपने अर्पण को स्वीकार करने के लिए अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं और कुछ चावल के दाने मुर्गी के सामने डाल देते हैं। मुर्गी का दाना खा लेना इस बात का संकेत होता है कि पूर्वजों ने उनकी भेंट को स्वीकार कर लिया है और वो उस मुर्गी की बलि चढ़ा देते हैं। उरांव जनजाति में कई महापुरुष जन्मे हैं। इसमें सबसे पहले वीर बुद्धू भगत का नाम आता है, जो न केवल समाज सुधारक थे
बल्कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी किया। जत्रा ताना भगत महात्मा गांधी जी के अनुयायी और वैष्णवी धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने देश प्रसिद्ध नए पंथ ताना भगत का ईजाद किया था। कार्तिक उराव एक बड़े राजनीतिक और समाजसेवी थे। वे उराव जाति में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। ब्रिटेन में विश्व के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर के डिजाइन में इनका योगदान था। परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो बांग्लादेश युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सामाजिक और पैतृक संपत्ति और अधिकार की दृष्टि से उराव जनजाति एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जहां तक महिला सहभागिता का प्रश्न है, वो पुरुष से एक कदम भी पीछे नहीं है। उदाहरण स्वरूप, महिला पुरोहित भी विवाह संपन्न करा सकती है यदि वो जानकार हो। यहां दहेज की नहीं बल्कि टोकन स्वरूप वधु दंड की प्रथा है। यहां तक कि ससुर की अस्थियों का विसर्जन भी बहू द्वारा किया जाता है। इस तरह उराव महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। उराव जनजाति के साथ एक सत्य हमेशा से जुड़ा रहा है और वो है पलायन। पलायन जहां पीड़ा देता है, वहीं वो विकास का भी सूचक है, जो हमें नई चुनौती के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि उराव जनजाति में नई चुनौतियों के प्रति एक लचीलापन है, उसको अपनाने में जड़ता नहीं है। जाति के इसी गुण ने बाहरी समाज के साथ मिलने जुलने के महत्व को समझा और दूसरे समाजों में उपलब्ध अच्छाइयों का अनुकरण किया, शिक्षा प्राप्त की और अपने आप को विकास के पथ पर ला खड़ा किया। आज उराव जनजाति अपनी समकालीन जनजातियों से ज्यादा समृद्ध और उत्कृष्ट है। Oh, my God.